प्रदीप जी, जो हिलाल साहब कह रहे हैं कि आतंकवाद के दोषी दोषी सब सही है कि सिर्फ आरोपियों को कहा जाना चाहिए फिलहाल? नहीं दोस्त, देखिए देखिए दोषी अगर आप ये कह रहे हैं, एनआईए ने कोई एफआईआर रजिस्टर की और उसके आधार पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, जो एनआईए के उस समय के डीजी थे जी, वो अमेठी के ही रहने वाले हैं और वो सज्जन बाद में ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर बन गए, तो मैं ज्यादा इस पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत व्यवहारिक व्यक्ति हैं वो, और उनके ऊपर ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक एजेंडा होता है, हर सरकार अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में काम करती है, वही सीबीआई किसी के टाइम में केस पैरोट होती है, किसी के टाइम में फ्री ऑफ फेयर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बन जाती है, वही एनआईए कभी कुछ काम करती है कभी कुछ काम करती है। लेकिन देखिए इन सभी मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, और अगर मान लीजिए कि एक, मैं तो कह रहा हूं कि आतंकवादी आप किसी और को बोले समझ में आता है, जब एक सेना के अधिकारी के ऊपर आप इस तरह का आरोप लगाते हैं और वो अधिकारी के साथ पूरी सेना खड़ी है, सेना अध्यक्ष खड़ा है और 9 साल की नौकरी के बावजूद उसको निलंबित नहीं किया जा रहा है, भारत सरकार के बार बार कहने के बावजूद सेना ने कहा कि हम उसे निलंबित नहीं करेंगे क्योंकि वो अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था। तो जब इस तरह की परिस्थितियां हैं और आप इन परिस्थितियों में इस तरह की बात करें, आरोप लगाना आसान है लेकिन सच पूछिए तो उन परिस्थितियों में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है, और इन तरह के मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये जो डीजी एनआईए थे बाद में मेंबर ह्यूमन राइट्स कमीशन बने, उन्होंने वहां पर जाके क्या किया और उसके पहले क्या किया वो बोलने का वक्त नहीं है, क्योंकि हम लोग के अच्छे मित्र हैं, उनके बारे में उनका पोल खोलना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन ये बात जरूर सही है कि आप अगर किसी आतंकवादी को पकड़ रहे हैं पकड़ो उसको, लेकिन अगर साथ में आपका कोई मुखबिर है, आपके सेना के या आपके पुलिस का अधिकारी है, आपके एलआईयू का अधिकारी है, लोकल इंटेलिजेंस का, आईबी का अधिकारी है, क्या उसको भी सजा दे दोगे आप? आप ये तो देखोगे कि उसने अगर अपने सुपीरियर को बता करके अपने आधिकारिक कार्यों के लिए अगर ये काम कर रहा है और वहां जाके उसने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको सबमिट की है, आपको उसने टेररिस्ट का मॉडल बताया है और कि ये काम करने वाले हैं, लोग इस तरह से काम कर रहे हैं, इनका मोड ऑफ ऑपरेशन ये है, तो क्या आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करोगे? ये तो समझने वाली बात है। और दिग्विजय सिंह जी के बयान को सच पूछिए तो बिल्कुल सही कहा बाकी लोगों ने भी कि उनकी कोई गंभीरता से लेता नहीं, अभी बड़े मेच्योर, बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं, बड़े आदरणीय व्यक्ति रहे हैं वो, लेकिन उनके उनकी पता नहीं उनको क्या हो गया है, आजकल परिवार में कुछ नए सदस्य उनके आ गए हैं तो दिमाग भी उनका नए सदस्यों की तरह ही घूम गया है, उनको अपने दिमाग के मैं कहूंगा कि ठीक ठाक रखें, वरना दिग्विजय सिंह जी को एक भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। मैं तो कहूंगा कि देखिए बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, इतने समझदारी से बात करते हैं, हाँ। दो दो बार चीफ मिनिस्टर रहे एक स्टेट के और मजे हुए राजनेता हैं, और इस तरह की ओछी बात अगर वो करेंगे हर बात पे तो उस बात पे दम नहीं निकलेगी, फिर उस बात पे उनके ऊपर उंगलियां उठेंगी। लेकिन मैं इस मामले की बात कर रहा हूं, अरे आप बाकी टेररिस्ट के खिलाफ बोलो, हाँ। आप बोल रहे हो कर्नल पुरोहित के खिलाफ जिसके साथ सेना खड़ी है जी। आप या तो बोलो कि सेना उनके साथ गलत तरीके से खड़ी है, हाँ। सेना अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करो, अगर सेना अध्यक्ष की मर्जी से उस ऑपरेशन में वो थे तो एक्यूज अकेले वो नहीं बनते हैं, फिर एक्यूज सारे जो कॉमन इंटेंशन था वो जनरल का भी था, वो मेजर जनरल का भी था, ब्रिगेडियर का भी था, ये सारे के सारे जेल जाने चाहिए जी। अगर आप ये कह रहे हो कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल थे, क्योंकि इस बात का अप्रूवल कि वो ये काम करें गतिविधि करें इसकी अप्रूवल उन्होंने सेना अध्यक्ष से ली हुई थी जी। तो सारे सेना के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जो उस समय इसको देख रहे थे, वो सारे के सारे जेल जाए, फिर आप छोड़ते क्यों किसी को? पूरी फौज को कर दो अंदर। लेकिन अगर आप ये नहीं मानते हो और आप ये मानते हो कि अधिकारी कार्यों में लगे हुए थे तो फिर कम से कम इस पे राजनीति मत करिए। जो टेररिस्ट थे उनको कोई छोड़े इस पे जरूर सवाल उठाइए, लेकिन जो व्यक्ति सेना के काम कर रहा था, भारत सरकार की ड्यूटी कर रहा था, उसको आप इस आरोप में जेल बंद कर दे कि आपका एक पॉलिटिकल एजेंडा सच जाता है, ये बात ठीक नहीं है। ठीक है।